बन जाओ। चलो ये चेक करना था ना तुम्हें, कर लो अपनी तसल्ली। नहीं फरतीन, ठीक है। नो नो, आई इंसिस्ट, प्लीज चेक कर लो, इट्स ओके। आई एम सॉरी फरदीन, मैं जेलस हो गई थी। किससे? उससे जो है ही नहीं। यू आर राइट, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अम्मी भी मुझे यही समझा रही थी, तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत टफ होगी ना, तुम फिक्र नहीं करो, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम जैसे ही हनीमून से वापस आएंगे सब ठीक हो जाएगा फरदीन। कैसे? तब तक कहानी पुरानी हो जाएगी, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर भले ही वो कुछ भी कहे। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा मेरा जाने को, बस चले तो जाऊं ही ना, लेकिन क्या करूं, अम्मा को अकेला भी तो नहीं भेज सकता। तुम कहो तो उनको जल्दी से छोड़ के वापस आ जाऊं। नहीं नहीं तुम जाओ, कोई मसला नहीं है। जकी, आ रहा हूं अम्मा। सुनो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बच्चा, मैं बहुत जल्द अपने वादे पूरे करूंगा, और अगर घर ना भी तो कमरा तो बनवा ही लूंगा। हंस रही हो तुम? तुम देखना, बहुत जल्द एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा तुमने बिल्कुल सही बंदे से शादी की है। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। झूठ, मेरे को पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अच्छा तो बताओ क्या सोचती हूँ मैं। वो हाँ हाँ बताओ। अच्छा, इधर रोमांस चल रहा है और उधर अम्मा बेचारी दरवाजे के पास खड़ी सूख रही है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरे जब सारे मोहल्ले के सामने रोमांस कर रहे हो तो मेरे सामने भी कर लो। इतनी फिक्र है मोहल्ले की तो दे दो ना अपना कमरा। दोगी? जूती देती है तुम्हें कमरा। अच्छा सुनो बात, अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, खबरदार मेरे पीछे तुमने इसको कुछ कहा वरना बहुत बुरा होगा नादरा, और मैं जब घर आऊ ना वापस तो ये इधर ही हो। इसको बोलो भागने का शौक इसको है, पता चले भागे ये और इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए। एक, तुम्हें पता है ना इसकी बातों को बुरा नहीं मनाना, ये आदि। जी अच्छा, मैं बढ़ा दूंगी किराया। बदनामी का किराए से क्या ताल्लुक? इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, फिक्र ना करें आप। क्या कह रहा था? कह रहा था कि किराया बढ़ाओ वरना दुकान खाली करो, और ये कि तुम और तुम्हारा बेटा बहुत बदनाम हो चुके हो और वो नहीं चाहता कि इस बदनामी की नहुसत का साया उसकी दुकान पर पड़े। मैं जाके ना इसका दिमाग ठीक करके आता हूँ। जरा खबरदार, खबरदार जो तुम उसके मुंह लगे होगे। एक तो मेरी इज्जत खाक में मिला के रख दी है, ऊपर से कह रहे हो कि तुम जाके उसे ठीक करते हो। हाँ तो मैंने गलत किया ना, मेरे से बात करे ना, मेरे को बोले। मैंने तुम्हें रास्ते में समझाया था ना जकी, कि तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे। आपने बोलने से मना किया था, हाथ लगाने से नहीं। अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया ना तुम देख लेना फिर। सुनो,
तुम मुझे ऐसे क्या देख रही थी? कुछ नहीं। जितना कुछ तुमने मेरे साथ किया है इतना तो हक बनता है ना मेरा। और वैसे भी तुम ये सारे पैसे अपने घर से चुरा कर ही लाई होगी ना? चुराए नहीं है मैंने, अम्मी ने दिए हैं। लेकिन तुम रख सकती हो, बस इसके बदले में मुझे माफ कर देना। दुनिया की सारी दौलत भी दे दोगी ना तो मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगी। तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं है? सोचो, अगर मेरी सारी बद्दुआएं तुम्हें लग जाएं, तो तुम्हारा क्या हशर होगा? बोलो, क्यों चुपचाप क्यों खड़ी हो? बोलो ना, बताऊं मैं तुम्हें कि जब जब मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ मेरा दिल तुम्हें कितना कोसता है। ये भी तो हो सकता है मैंने जो कुछ कहा वो सही हो और मैंने जो कुछ किया वो मेरी मजबूरी हो और मेरे पास कोई चारा ना बचा। झूठ, नादरा, ए नादरा, आ रही हो? क्या हो गया? पानी लेके आओ अम्मा के लिए। मैं लेकर आती हूँ। क्या हो गया आप लोग, आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे अम्मा कुछ बताएं, हुआ क्या है? दुकान बंद हो गई, अब कभी नहीं खुलेगी। ऐसा नहीं बोले अम्मा, खुल जाएगी कुछ दिनों में। आजकल लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ। लोग पागल हैं क्या जो भूल जाएंगे? दीवाने हैं, अक्ल नहीं है क्या किसी को? पता था मुझे। अब जाहिर सी बात है, कौन अपने बेटियों के कपड़े देगा आपकी दुकान को सीने के लिए? अब बैठे आराम से ठंडे ठंडे घर में। नादरा, हो गया, अभी चुप हो जाओ। अरे अब तो कहानी शुरू हुई है। बड़ी तारीफें करती थी ना कि अल्लाह की तरफ से तोहफा आया है हमारे घर में, न जाने कौन सी भलाई की है मैंने। नादरा मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, अभी एक और लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो बोलूंगी मैं तो बोलूंगी। क्या कर लोगे तुम मेरा गला तो बोलूंगा? अगर तुम चाहते हो मैं इस घर में रहूं तो ऐसे मत करो प्लीज। देख रही उसको, सिर्फ तुम्हारी बात तो नहीं है ना, अम्मा की खातिर ही चुप हो जाओ। अरे इतना ख्याल है अम्मा का तो निकालो इसे घर से, निकालो। सुन लिया? और तुम कह रही हो कि मैं इसकी बकवास बर्दाश्त करूं और कुछ ना बोलूं? तुम मेरी वजह से इससे नहीं लड़ोगे अजमी, प्लीज। ओफो, एक्टिंग देखी है इसकी। मेरे लिए नहीं लड़ोगे तुम लोग तो तुम सोने से। हेलो हेलो हाशिम, क्या हाल है? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बस आपको ही कॉल करने का सोच रहा था। क्यों? वो बस पूछना था कि वो आपका काम हो गया था।
कौन सा काम? सर वीडियो एडिट वाला, और कौन सा? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कैसे होता है। सर आप भूल गए शायद, याद नहीं आया आपको। सुनो मुझे तुमसे एक काम था छोटा सा। तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है ना, कैसे करते हैं? अरे सर आप मुझे भेज दें, मैं करके दे देता हूँ आपको। अगर तुमसे वीडियो एडिट करानी होती तो मैं तुम्हें वीडियो डायरेक्टली भेज चुका होता। ऑफिस का काम है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मसला है इसलिए। तुम मुझे फोन पे गाइड कर दो, मैं खुद कर लूंगा। हेलो हेलो सर, कहाँ खो गए? एक्चुअली सर उस दिन जब मैंने आपकी मंगेतर की वीडियो देखी ना, वो जो लीक हुई थी ना, तो मैं समझ गया आप किस वीडियो को एडिट करने की बात कर रहे थे। वो जो शट अप, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पे इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? आराम से सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। मजाक? ये मेरा तुम्हारा मजाक कब से शुरू हो गया? हाशिम अपनी औकात में रह के मुझसे बात किया करो। याद दिलाओ तुम्हें तुम्हारी औकात। अमेरिका में तुम मेरे एक सबऑर्डिनेट थे, मैं बॉस था तुम्हारा। ऑलवेज रिमेंबर योर लिमिट्स। सर मुझे मेरी हद याद दिलाने से पहले ये मत भूलें कि आप मेरे बॉस थे, अब नहीं। व्हाटएवर, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे इस तरह का कोई ओछा और घटिया इल्जाम लगाओ। आई एम मैरिड, आई एम अ फैमिली मैन, और मैं इस तरह की ओछी और घटिया हरकतें नहीं करता हूं। एनीवे मुझे किसी सोशल मीडिया फॉर्म का फोन नंबर चाहिए, मैं किसी को जानता नहीं इसलिए तुमसे मांग रहा हूं। मेरे पास नहीं है, किसी और से ले लो तुम। अच्छा तो अब तुम आप जनाब से भी गए और तुम मुझे भरम दिखा रहे हो। ठीक है मैं खुद मैनेज कर लूंगा। कर लेना मैनेज, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात तो सुन लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये वीडियो तुमने ही बनवाई है और लीक भी कराई है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? तुम्हें पता है? ये बात मैं बहुत आसानी से साबित कर सकता हूं। अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। जानते तो तुम नहीं हो मुझे। मैं अब वो तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं रहा हूं जिसको तुम ऑफिस में जलील करते रहते हो बॉस बन के। मान लो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है और इसमें तुम्हारा हाथ है। मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। मानोगे एक दिन। हेलो सुनो, ऐसे कब तक डरती रहोगी तुम नादरा से? मैं नादरा से नहीं उसकी आँख से डरती हूँ। दिल तो दुखा है ना उसका। तो तुमने थोड़ी दिल दुखाया उसका, मैंने दुखाया ना। फिर भी हर वक्त उसकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहती हूँ। तुम नाराज हो? नहीं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखो तुम खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो उसको कितना बुरा लगा होगा। मैं मानता हूँ गलत हुआ है उसके साथ, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उसे यह हक पहुंचता है कि हर वक्त तुम्हारे ऊपर जुल्म पर जुल्म करती रहे। मैंने किया ना जो भी कुछ किया है, मेरे को बताए, मेरे से लड़े, लेकिन तुमसे नहीं। मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। सही है, फिर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। वैसे भी ना तुम गलत हो ना वो, गलती तो सारी मेरी है। सखी तुम समझो मेरी बात। मैंने नहीं समझा कुछ भी। अच्छा मेरे को बताओ तुम पैसे लाई हो ना? हाँ क्यों? मैं कल तुम्हारा अकाउंट खुलवा दूंगा बैंक में। ये चीजें वहां रखो, यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। नहीं घर पे ठीक है, जब कभी इस्तेमाल करनी होगी तो कर तो सकती हूँ ना। थोड़े बहुत रख लेना इस्तेमाल के लिए, बाकी सारे अकाउंट में रखो ना। नहीं घर पे ठीक है। सही है भाई, वो एक बात भी ना मानो मेरी, ये से आपकी मर्जी।
हेलो, ये तस्वीरें क्यों भेजी है तुमने मुझे? हिल गए ना जब ही तुमने मुझे वीसीओ को ऑफ कर दी। अपनी बकवास बंद करो, तुमने तस्वीरें क्यों भेजी है मुझे? यार फर्नीचर पे इतना बड़ा सर्किल तो किया हुआ है फिर भी नहीं समझ रहा। सो व्हाट, ये सब बहुत कॉमन है अमेरिका में। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन यार पाकिस्तान में नहीं है ना, और जकी जैसे लोगों के पास तो ऐसा फर्नीचर हो ही नहीं सकता यार। क्या साबित करना चाह रहे हो, ये सबूत काफी है? नहीं नहीं, ये तो जस्ट ट्रेलर था। मैं उस लड़की से बोलूंगा कि फोन की हिस्ट्री चेक करवा ले, पता चल जाएगा कि वीडियो कॉल कौन से आईपी एड्रेस से हुई है, फिर कैसे जुटलाओगे। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? जो जैसा होता है ना वो वैसी सोचता है। अमेरिका में तुम मेरे सारे काम का क्रेडिट ले जाते थे, याद नहीं? एचएन की कंपनी के लिए मैंने तुम्हें एक सॉफ्टवेयर का आइडिया दिया था जिसका क्रेडिट लेकर तुम और प्रेजेंट करके अपनी प्रमोशन करवा ली। मैंने तुम्हें एक कॉल क्या कर ली, तुम मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हो। व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? चाहते क्या हो तुम? काश मैं उस वक्त तुमसे ये सब कह पाता, लेकिन उस वक्त तो मैं अपनी नौकरी जाने के डर से खामोश रहा, लेकिन अब मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। ये बकवास बंद करो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, चाहते क्या हो तुम? मैं चाहता क्या हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना सुन लो कि ये तस्वीरें तो वायरल होंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं तुम सुन रहे हो? हेलो हेलो, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अस्मियत नादरा, अम्मा क्या हो गया? ये क्या करवा रही है आगे से? झाड़ू लगवा रही है? तो क्या हो गया, ये अब हमारे सर पे सवार हो ही गई है तो घर के काम तो करेगी ना। सुन लिया तुमने, यही बकवास सुनने के लिए रुके थे हम यहां? मैंने तुमको बोला था हमारा ये घर छोड़ देना बेहतर है आजमी। बार बार तुम इसके खातिर मां को छोड़ने की बात करते हो, एहसास है तुम्हें क्या गुजरती है मेरे दिल पर? आपको एहसास है अम्मा कि अब आप मेरी मां से ज्यादा सिर्फ इसकी सास बन गई है? आप ही की खातिर रुका था ना मैं, अब मेरे को लग रहा है बहुत बड़ी गलती की थी मैंने रुक के। अरे बार बार धमकियां क्यों देते हो, जाने तो जाओ। अम्मा मैं आपके साथ हूं, हम रह लेंगे इनके बगैर। चुप हो जाओ तुम, यही मेरा दिमाग खराब करती रहती है हर वक्त। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आइंदा इससे कोई काम नहीं कराऊंगी। अम्मा मसला काम का नहीं है, काम तो ये पहले भी करती थी, खुशी खुशी करती थी, लेकिन तब इज्जत थी ना इसकी, अब मेरे से नहीं हो सकता अम्मा। अब मैं इसको किसी ऐसी जगह रख ही नहीं सकता जहां इसकी इज्जत ना हो। इज्जत? अरे इसकी इज्जत तो पूरी दुनिया में नहीं है। आखिर रखोगे कहां इसको? रखूं वैसे अपने दिल में, बहुत इज्जत है इसकी यहां। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है नादरा, तुम्हारी किस्मत इसने नहीं फोड़ी, तुम्हारी ये जबान ने फोड़ी है। तुम्हारा दिल मेला है, तुम्हारी नीयत में खोट है,
इसलिए तुम आज तक अकेली हो। ये तुम तो इतनी अकेली हो कि तुम्हारी मां भी तुम्हारी नहीं है। हाँ जाओ, दफा हो तुम दोनों, मौत आए तुम दोनों को, जहन्नम में जाओ। बकवास बंद करो, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुझसे निकालो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। बद्दुआएं दे रही हो भाई को? हेलो, कौन? मैं हाशिम लूजर बात कर रहा हूँ। यही कहते थे ना तुम मुझे अमेरिका में, याद है? लेकिन ये नंबर तुम्हारा तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, नए नंबर से सिर्फ तुम ही कार्रवाई कर सकते हो? है? तुम जैसा इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसके अंदर का कीड़ा कभी नहीं मरता। इसीलिए मुझे अपना नंबर बदलना पड़ा। तुमने फोन क्यों किया? बस इतना बताने के लिए कि चेक करते रहो कि कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे खिलाफ कुछ भी आ सकता है। समझे मेरे एक्स बॉस? हेलो, हेलो, हीरो चाय पता नहीं कैसी बनी है, बस बना दी। ये हाथ दिखाओ मुझे अपना। क्या कुछ करना पड़ रहा है ना तुमको? परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे को समझ नहीं आता कि इतने अच्छे लोगों के साथ अल्लाह ऐसे ऐसे इम्तिहान क्यों लेता है। गलती भी तो बहुत बड़ी की है मैंने, ना तो बनता था। अल्लाह तो बड़ी से बड़ी गलती माफ करने वाला है, पर तुम तो इतनी अच्छी इंसान हो। पागल, मैं अच्छी इंसान हूँ? तुम्हारी यही तो बात है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम हो क्या। तुम जॉब के लिए गए थे, क्या बना मिली? इतनी आराम से मिल जाती तो क्या ही बात है। पढ़ाई मुकम्मल की नहीं और दर्जी के काम पे आपको ही रखना चाहता ही नहीं। और वो असलम वाले वो नहीं रख रहे? दर्जी का काम जो है ना, वो एतबार का काम होता है, और जिस इंसान पे एतबार ही ना हो उसे कौन अपनी दुकान में रखेगा। तो वो बुटीक वाली से बात करते है ना, उसने भी तो पैसे देने थे। अरे मना कर दिया उसने, असलम क्या था पूछने। असलम की बात और है, तुम जाओ। असलम अच्छा खासा समझदार इंसान है, उसने ठीक ही बात की होगी। हाँ, लेकिन असलम की बात में और तुम्हारी बात में फर्क है। छोड़ो यार, बेइज्जती होगी। कैसे बेइज्जती होगी? अगर अभी से हार मान लोगे तो कैसे चलेगा? कल चलते हैं हम उसके पास। तुम भी जाओगी? हाँ, क्यों नहीं जा सकती। मेरे को डर है उसने कोई ऐसी वैसी बात कर दी ना तो फिर मेरा मीटर घूम जाएगा। हाँ, तो इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम साथ चलो, मैं बात करूंगी, तुम मेरा ख्याल रखना, मेरे बॉडीगार्ड की तरह। चल रहे ना कल? ठीक है, चलते। सॉरी आप कॉल कर रहे थे, वो एक्चुअली मैं बिजी बहुत था। मैं देख रहा था आपकी कॉल आ रही थी लेकिन वो अटेंड कर नहीं पाया, तो एनीवे। फरदीन, फरदीन बैठो बेटा, बैठो। बेटा तुम कुछ भूल नहीं रहे हो क्या? भाई तुम्हारी आज फ्लाइट थी, तुम दोनों जा रहे थे हनीमून पे।
I'm sorry. एक्चुअली वो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसलिए मुझे बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा। अज़मिया के लिए टेंशन में थे ना? मेरी जिंदगी में उसके अलावा भी बहुत टेंशन है। आराम से आराम से। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हारी माँ सही तो कहती है, तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब मैं इनके लिए पागल भी हो गया? अब नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तब कहा था जब अज़मिया का मामला चल रहा था, है ना? क्योंकि आपको हमेशा से अपनी भांजी की और इनको अपनी भतीजी की फिक्र रही है। ये तो कभी फिक्र की नहीं आप लोगों ने इस तरह से, ना ही कभी मेरा ख्याल रखा, ना मेरी कोई केयर की। Enough. तुम्हारा कहने का क्या मकसद है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? क्या किया आपने मेरे लिए? आपने किया क्या मेरे लिए बताएं? इन सबके सामने बताएं ना, जब चुप क्यों हो गए, बोले। मैं जा रही हूं यहां से। कहां जा रही हो बेटा? हद हो गई है ताया जान, इतनी इंसल्ट तो किसी लड़की की नहीं हुई होगी जितनी मेरी यहां हो रही है। आप ही बताएं, कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने हनीमून पर जाना भूल जाए? मैं तुम्हें उसके लिए सॉरी कह चुका हूं। अच्छा, do you think it's enough? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहर, सहर बेटा इन्हें दिखाएं जो चीज चाहिए। नहीं मैडम, हमने कुछ देखना देखना नहीं है, शायद आपने हमारे को पहचाना नहीं। मैं जकी और ये अज़मिया। हम दरअसल पैसों की बात करने के लिए आए थे। कैसे पैसे? वो आपने हमें ऑर्डर्स दिए थे जो हमने आपको बनाकर दिए। तुम दोनों की वजह से मेरा इतना लॉस हुआ है और तुम लोग मुझसे उल्टा पैसे मांग रहे। देखिए, हमें पैसों की जरूरत ना होती तो हम कभी भी नहीं आते। आप प्लीज हमें हमारे पैसे दे दें, हम चले जाएंगे। वरना 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 क्या कर लोगे तुम लोग? मैडम अब आप हद से गुजर रही हैं, तमीज से। हद तो तुम लोगों ने क्रॉस की है मेरी जगह पे आके। गार्ड, आप प्लीज मेरी बात तो सुने। गार्ड, किसी को भी तुम अंदर आने दे देते हो, ले जाओ इन्हें बाहर। आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं। यू डिजर्व दिस। ए मैडम बस, एक और लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। मेरी जगह पे आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो एक औरत समझकर। पुलिस को बुलवा लूंगी मैं। ए औरत तो चाहे मार, हमें हमारे पैसे चाहिए, बुला पुलिस को। मैं भी देखूं चंद हजार बचाने के लिए कितना गिर जाती हो तुम। सुनाई नहीं दे रहा, बुला पुलिस को फौरन। सखी चलो यहाँ से प्लीज। मैं क्यों जाऊं, इसके पैसे दे हमारे। बदतमीज, मैं लेके जाऊंगा तेरे से पैसे। जकी, जी अम्मा। नहीं मिले ना पैसे? नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि नहीं मिलेंगे। अगर उसने देने होते तो असलम को ना दे देती। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पहले अस्पताल में जलील हुए और अब बाजार में। शाबाश। तो क्या करें अम्मा, भूखे मर जाएं? और अपने हक हलाल की कमाई मांगने गए थे ना, कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे? भीख मांग लेते बेहतर था अम्मा। अब सकी, मेरी गलती है खाला, मैंने इसे कहा था जाने को। I'm sorry. बीबी, गलती तो सारी की सारी मेरी है कि मैंने तुम्हें अल्लाह की रहमत समझा और तुमने हमारी लुटिया ही डबो दी। किस बात के बदले ले रही हो हमसे? हाँ, माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम्हारी मदद कर दी, बख्श दो। बस कर दी अम्मा, क्यों इतनी बातें सुना रही है? और हम घर के लिए पैसे लेने गए थे ना, कौन सा अपने लिए लेने गए थे? अब कोशिश तो करनी है जहां से भी थोड़ी सी उम्मीद हो। घर पे रखे हुए पैसे इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे? आड़े वक्त के लिए दिए थे ना इसकी माँ ने। मैंने आपको बोला ना अम्मा, मैं वो पैसे नहीं लूंगा, वो इसके पैसे हैं, क्योंकि मैं बेगैरत नहीं हूं।
अच्छा, सारी गैरत तुम्हारी है, इसकी नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से तुम्हारा शौहर ख्वार होता फिर रहा है और तुम दो पैसे नहीं निकाल रही हो। वो पैसे बैंक में रखे हैं इसलिए नहीं निकाले। बैंक में रखे हुए हैं तो निकलवा लो, ऐसा क्या मसला है इसमें? भाई मैं नहीं लूंगा वो पैसे, बोल दिया मैंने बस। अरे भाई कर्ज ले लो, वापस कर देना। सिर्फ हम थोड़ी खाना खाएंगे, जो दो रोटी हम खाएंगे वो ये भी तो खाएगी ना। रोटी के लिए पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, इसकी नहीं। मुझसे जो भी होगा बस मैं कर लूंगा। कहां से लाओगे पैसे? भाई मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, हाथ पांव सलामत है ना मेरे? अभी अल्लाह ना करी माजूर नहीं हुआ अभी मैं। बहुत खुदगर्ज लड़की हो भाई तुम, सही कहती है नात्रा। सारी गैरत तुम्हारी है, इसकी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से तुम्हारा शौहर ख्वार होता फिर रहा है और तुम दो पैसे नहीं निकाल रही हो। आओ आओ। अरे ऐसे फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या देख रही हो ऐसे? अम्मा की बातों का बुरा लगा है ना तुमने? अच्छा ही किया तुमने, कह दिया कि तुम्हारे पैसे सारे बैंक में है, वरना तो इस बात का पीछा नहीं छोड़ती। वैसे भी ये तो अब जाके लोगों को समझ आई है ना कि औरत का पैसा औरत का ही होता है, किसी और का हक नहीं होता उस पे। लेकिन अम्मा को समझ में थोड़ा वक्त लगेगा अभी। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझ सकती बल्कि आई एम सॉरी। सॉरी किस बात का? हर बात का, जो मैंने किया उसका, जो नहीं कर सकी उसका। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैं शोर हूं तुम्हारा, हर दुख हर दर्द में साथ हो तुम्हारे। मेरे को ये भी पता है कि मुझे कोई मुश्किल आएगी तो तुम तो मेरा साथ दोगी। मेरे को ना अभी निकलना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने जाऊंगा, दुआ करो कुछ मिल जाए। बहुत नाराज हो, पता है मैं इतना परेशान हूं, इतना परेशान हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है सब ये तुम्हारा बहाना है, तुम्हारी नजर में मेरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तुमने तो हमेशा ही मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। अच्छा सुनो, नीरो काम पकड़ रहा हूँ, I'm sorry. Don't try to be funny. सोचो अगर मैं भूल जाती हनीमून पे जाना तो कैसा लगता तुम्हें? क्या मतलब कैसा लगता? देखो सारी बात ट्रस्ट की होती है, तुम ट्रस्ट नहीं करती ना मुझ पे, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। ही फरदीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, दरअसल बात यह है कि यू डोंट रियली लव मी। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती ना तो तुम इन छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाती। मैं तो सिर्फ ट्राई करी थी,
मैं बात कर रही हूँ तुमसे फरदीन, किसका मैसेज है? हाँ मैसेज नहीं, ईमेल है। वो एक्चुअली मैंने जॉब के लिए एक दो जगह अप्लाई किया था, तो वहां से मैं एक मिनट में आता हूँ। फरदीन कहाँ जा रहे हो? फरदीन मेरी बात तो सुनो। मैंने तो बस ईमेल पे तुम्हारी हरकतें तफसील से भेजी हैं, सोच रहा हूँ कि छाप दो। जो दिल चाहे छाप दो, तुम्हारी बकवास पे यकीन कौन करेगा? अच्छा लेकिन मेरे पास तो तुम्हारी तस्वीरें भी हैं और ऑडियोज भी हैं। ऑडियो? कौन सी ऑडियो? जो जो हमारी बातें हुई हैं। लगता है कि तुमने अटैचमेंट्स खोल कर नहीं देखी। अब यार अपने प्रोग्रामर होने का कुछ ना कुछ तो फायदा उठाऊंगा ना मैं। अब मुझे समझ में आया, तुम्हारा काम ही लोगों को ब्लैकमेल करना है। नहीं 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 नहीं, लोगों को ब्लैकमेल करना नहीं, तुम जैसे घटिया इंसान को ब्लैकमेल करना। कर ली तुमने अपनी बकवास। अगर इनमें से मुझे एक भी चीज कहीं भी नजर आई, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यार सबूत तो मेरे पास है तुम्हारे खिलाफ, और धमकियां तुम मुझे दे रहे हो। मैं तुम जैसे रींगने वाले कीड़ों को धमकी नहीं देता, सीधा कुचल देता हूं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन किसको कुचलता है। हेलो हेलो, मेरे बन जा।